नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर प्राइस टारगेट 2023 से लेकर के 2030 के बारे में देखने वाले हैं। साथ ही इस कंपनी का ओवरव्यू करें देखेंगे और इस कंपनी के अगर आप शेयर परचेस करते तो उसका क्या फ्यूचर है और उसके अंदर क्या रिस्क हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। दोस्तों, कोटक बैंक के बारे में सभी लोग अच्छी तरीके से परिचित हैं क्योंकि यह भारत का प्राइवेट बैंक है और इस बैंक के बारे में इन्वेस्टर को जानकारी है, लेकिन आने वाले समय में 2023 से लेकर के 2030 के बारे में क्या शेयर प्राइस टारगेट हो सकता है, इसके बारे में हर किसी को जानने की उम्मीद है। अगर हम लॉन्ग टर्म में कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में खरीदारी करते हैं तो आपको कंपनी के बारे में बहुत कुछ जानकारी होनी चाहिए और साथ ही अगर आप शॉर्ट टर्म में भी जा रहे हैं जब भी आपको उसके बारे में अच्छी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप किसी शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं काफ़ी रिस्की होता है। अगर आपको उस शेयर के फंडामेंटल्स के एनालिसिस हैं जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ हद तक आपका पैसा सेफ रहता है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखने से पहले अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो इस चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए। ऑलरेडी अगर आप इस चैनल के यूजर हैं और आप सेकंड टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, भारत में बैंक सेक्टर का तेजी से विकास हो रहा है और बैंक सेक्टर को हम पीछे नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि आज के समय में डिजिटल तरीके से आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, अपने मोबाइल से ही आप नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, अपने बैंक से पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डेबिट ले सकते हैं। तो इस तरीके से कई ऐसे बैंक हैं, प्राइवेट बैंक्स इंडिया में, जो अच्छे रिटर्न्स भी अपने कस्टमर को दे सकते हैं। तो शेयर मार्केट में अच्छी होल्डिंग है प्राइवेट बैंकों की। दोस्तों, बैंक में इन्वेस्ट करना इसलिए भी फायदेमंद है क्योंकि बैंक सेक्टर कभी डूब नहीं सकता है। भारत में प्राइवेट बैंक के बीच में लगातार कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, लेकिन प्राइवेट बैंक का अच्छा खासा रिटर्न्स भी दे रहे हैं, इसलिए निवेशक का जो ध्यान है भारत के प्राइवेट बैंकों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। और 2023 में अगर कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में अगर देखें तो काफ़ी लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है। कुछ लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्लानिंग लेकर के चल रहे हैं और कुछ लोग शॉर्ट टर्म के लिए लेकर के चल रहे हैं। तो आने वाले इस वीडियो के अंदर हम ये देखते हैं कि इसमें क्या शेयर प्राइस टारगेट के साथ में रिटर्न्स हमें मिल सकता है। उसके पहले हम देखते हैं इस कंपनी का क्या ओवरव्यू है। 6 जुलाई 2001 की बात है जब कोटक महिंद्रा बैंक शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था। तब कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर प्राइस टारगेट 2.40 रुपये था और आज के समय में कोटक महिंद्रा बैंक का 1700 रुपये के ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका है। 1985 में इस बैंक की स्थापना हुई थी और कोटक महिंद्रा बैंक टॉप 10 प्राइवेट बैंकों के अंदर आता है। यह बैंक लगातार कस्टमर को इतनी अच्छी सर्विस दे रहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर संख्या में हर साल बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में बहुत सारे पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स भी देखने को आपको मिल सकते हैं। महिंद्रा बैंक के शेयर की फ्यूचर, भविष्य का पता नहीं है लेकिन वर्तमान समय में इस बैंक की कंडीशन बहुत अच्छी है। यह बैंक लगातार फायदे ही फायदे कर रहा है। इस बैंक के प्रॉफिट 2022 की तुलना में 2023 में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बैंक का शेयर फ्यूचर में रिटर्न दे सकता है क्योंकि इस बैंक के शेयर में फॉरेन इन्वेस्टर ने अपना जमकर पैसा लगाया है। कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर अगर भविष्य में बढ़ेगा तो यह पूरा भूचाल ला सकता है। महिंद्रा बैंक के शेयर में रिस्क, जैसा कि हम आपको एक नहीं बार बार बताते हैं कि शेयर मार्केट में इतना ही बड़ा जोखिम मार्केट है और कोटक महिंद्रा बैंक में भी शेयर मार्केट लिमिटेड है तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा रिस्क है। अगर बैंक की तरफ से कोई भी निगेटिव खबर आती है तो सीधा इसके शेयर के ऊपर असर पड़ने वाला है। तो जब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें काफ़ी रिस्की है, आप जितना जोखिम ले सकते हैं उतना ही पैसा आप शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें। कोटक महिंद्रा बैंक शेयर प्राइस टारगेट 2023। इस बैंक में सबसे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर की हिस्सेदारी है, इसके बाद कंपनी के प्रमोटर आते हैं और बाद में रिटेल निवेशकों का नाम शामिल है। कोटक महिंद्रा बैंक में और एक चीज़ पॉजिटिव है, इस बैंक में लगातार नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इस बैंक ने अपनी तिमाही की रिपोर्ट अभी जारी की थी जिसमें बैंक को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था।
2023 में कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर प्राइस टारगेट 1800 रुपए के आसपास हो सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक शेयर प्राइस टारगेट 2024। मार्केट में बहुत कम बैंक हैं जिसमें विदेशी इन्वेस्टर की हिस्सेदारी ज़्यादा हो। 2023 के आंकड़े बता रहे हैं कि इस बैंक में विदेशी इन्वेस्टर 39.88% की हिस्सेदारी अपने पास रखी है और कंपनी के प्रमोटर में कुल मिलाकर के 25.94% की हिस्सेदारी अपने पास रखी है। यह बैंक फाइनेंस से लेकर के इन्वेस्टर के मामले में एक अच्छा बैंक माना जाता है और 2024 तक इसके शेयर प्राइस टारगेट में अगर आप देखें तो 1890 रुपये तक के बीच में हो सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक शेयर प्राइस टारगेट 2025। काफ़ी लंबे समय से अपनी अच्छी खासी मार्केटिंग कर रहा है और इस बैंक को कई सारी कंपनियों ने अपना पार्टनर बनाया हुआ है। विदेशी इन्वेस्टर की इन्वेस्ट करने से कंपनी का स्टॉक मजबूत मान सकते हैं। भारत में 3 प्राइवेट बैंक ऐसे हैं जो अच्छा खासा पैसा रिटर्न दे रहे हैं। समय के अनुसार कोटक महिंद्रा बैंक अपने बिजनेस में भी परिवर्तन कर रहा है। बैंक इंश्योरेंस से लेकर के डेबिट क्रेडिट कार्ड और इसके अलावा अलग अलग फाइनेंस के अंदर काम कर रहा है जिससे बैंक को अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। यह बैंक फाइनेंस में पहले से ही मजबूती दिखा रहा है और लगातार कस्टमर संख्या बनाने के कारण NPA में भी कुछ बढ़ोतरी हो रही है लेकिन उसके ऊपर काफ़ी हद तक कंट्रोल है। 2025 में कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर प्राइस टारगेट 2110 रुपये के आसपास होने की उम्मीद है। कोटक महिंद्रा बैंक शेयर प्राइस टारगेट 2030। 2023 से लेकर के 2030 तक अगर आप इस बैंक के शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो आपको थोड़ा बहुत नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि यह बैंक की मार्केटिंग में भी पैसा लगा रहा है जिसके कारण आने वाले समय में इस बैंक के नेट प्रॉफिट थोड़ा डाउन हो सकता है। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हर कंपनी के स्टॉक में देखने को मिलते हैं लेकिन 2023 की रिपोर्ट बता रही है कि यह बैंक आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है। कंपनी का नेट प्रॉफिट हर साल बढ़ता ही जा रहा है और 2030 में कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर प्राइस टारगेट 2630 रुपये के आसपास होने की उम्मीद है। दोस्तों, जब भी आप किसी भी शेयर्स के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने स्वविवेक और मन के इच्छानुसार किसी भी बैंक के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जब भी आप चाहें उसे विड्रॉल भी कर सकते हैं। दोस्तों, अभी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इसे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स करके बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में भी वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।